बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर। शामिल करेंगे सबसे पहले सेफ सिटी हेडलाइंस। ट्रैफिक पुलिस का बुनियादी काम ट्रैफिक कानून का निफाज है, जिसके लिए हमारे पास ई चालान की सहूलत मौजूद है। ई चालानिंग से शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। ट्रैफिक कानून के निफाज में PITB के किरदार के हवाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वीडियो पैगाम बुलेटिन का हिस्सा। तहफ्फुज़ मराकज़ ट्रांसजेंडर समेत ख्वातीन, बच्चों और मुआशरे के महरूम तबकात को बइज्जत रोजगार फराहम करने में मसरूफ़ अमल। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर कशिश खान की काविशों से 7 ट्रांसजेंडर्स को निजी फूड डिलीवरी कंपनी में मुलाजमत मिल गई। पंजाब पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए सरगर्मी अमल। लाहौर समेत मुख्तलिफ अज़ला के पुलिस मुलाजमीन को तिब्बी अखराजात के लिए मजीद 10,50,000 रुपये जारी कर दिए गए। पंजाब भर से गुज़श्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 49,347 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 3,411 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 36,111 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 5,202 ई चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 990 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। साल 2023 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के अफसरान में इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम। ट्रैफिक पुलिस का बुनियादी काम ट्रैफिक कवानीन का निफाज है, जिसके लिए हमारे पास ई चालान की सहूलत मौजूद है। ई चालानिंग से शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। ट्रैफिक कवानीन के निफाज के हवाले से देखिए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का यह खसूसी वीडियो पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 का इंतहाई अहम दिन, जबकि पंजाब पुलिस और PITB ने मिलकर लोगों को सेफ बनाने के लिए और लोगों को बेहतर सर्विस डिलीवरी देने के लिए अपनी फोर्स की वेलफेयर के लिए इंतहाई अहम इकदाम किए हैं। हम आपसे डायरेक्ट मीटिंग से बात कर रहे हैं, जिसमें PITB के चेयरमैन फैसल साहब खुद तशरीफ लाए हैं, सालिक साहब मौजूद हैं और कासिम साहब मौजूद हैं। हमारे पास SSP ट्रैफिक पंजाब के मौजूद हैं, जो कि रूए रवा है इस तमाम चीज़ को डेटाबेस के, एक्सीडेंट मैनेजमेंट के ऊपर कैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, कैसे उनको रोका जा सकता है, कैसे उसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग की जा सकती है, ये तमाम चीज़ें भी PITB के साथ मिलकर देख रहे हैं। रिजल्ट पर हमारे SSP रिजल्ट पर साहब, इसमें लोगों के लिए, आवाम के लिए क्या सहूलतें हैं, धुआं छोड़ती गाड़ियों के ऊपर आपने क्या काम किया, आप लोगों ने कैसे इंश्योर किया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो, आपने कैसे ये करके दिया कि जो फाइन्स हैं, चलान हो रहे हैं, वो कितने के हो रहे हैं, कितने रुपये लोगों के हुकूमत के खजाने में जा रहे हैं, टैक्स चलान के पैसे पुलिस के पास आते हैं या हुकूमत के पास जाते हैं, ऐसे सड़कें ठीक होती हैं। सर, ये ट्रैफिक पुलिस जो है सर, इसके जो बुनियादी फ़राइज़ हैं उनमें से एक तो ट्रैफिक लॉ की इन्फोर्समेंट है सर, जो कि हम चालान्स के ज़रिए करते हैं। तो हमारे जितने भी सर ऑपरेटर्स हैं, उन सब के पास जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, जो अफसरान हैं, उनके पास अपनी जो है वो ई चालान की सहूलत मौजूद है, जो कि PITB के तावन से हमारे पास बनी। सर, ई चालान का सर फ़ायदा ये है कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंश्योर हो गई है। पहले ये होता था जी कि चालान जो है बाज़ुकात उसकी जो है वो मैनुअल जब बुक्स होती थी तो उसके अंदर कोई जेली और जो है वो नोटबुक्स भी यूज़ होती थी, जिसके स्कैंडल्स भी आते थे। जब से ये ई चालान हमने शुरू किया है सर, उससे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। मौके के ऊपर ही सर जो चालान होता है उसकी पेमेंट भी हो सकती है और उसका जो रिकॉर्ड है वो भी हमारे सेंट्रल डाटा बेस के अंदर आ जाता है सर। सेकेंडली सर, इसके अंदर जो कैंपेन स्पेशली चली हैं सर, जिसके अंदर अभी जो है वो हमने, जब स्मोक का इशू खासतौर पर बड़े शहरों के अंदर ज़्यादा था, तो हमने फोकस किया सर कि जितनी जो है वो स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स हैं उनके खिलाफ सर क्रैकडाउन किया जाए। तो इस साल के अंदर सर जो है वो सिर्फ नवंबर और दिसंबर के अंदर 50,000 से ज्यादा ऐसे सर एनफोर्समेंट एक्शन हुए हैं जो कि स्मोक इमिटिंग व्हीकल के खिलाफ हैं सर। इसके साथ सर, जब अंडर एज ड्राइविंग की वजह से जो है वो एक दो वाकयात हुए और उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक इशू था, तो उस पर जो है वो क्रैकडाउन किया गया और जुवेनाइल जितने ड्राइवर्स थे उनके खिलाफ जो है सर वो एनफोर्समेंट हुई, जिसके अंदर चालान भी हुए, व्हीकल्स को भी इम्पाउंड किया गया और FIR भी किए गए सर। तो टाइम टू टाइम सर जितनी कैंपेन्स चलती हैं सर, उन सब का मकसद ये है सर कि एक तो ट्रैफिक लॉ की इन्फोर्समेंट करके शहरियों के सफर को महफूज बनाया जाए सर, और इसके अंदर जो है वो सारी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर करने के लिए जो हम ई गवर्नमेंट का एक पूरी रजीम शुरू की है, उसके अंदर सर PITB का बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रहा है हमारे साथ। एमरजेंसी 15 कॉल पर पुलिस ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम कर दी। टाउनशिप के इलाके में शदीद सर्दी के बायस बेहोश शख्स की कैसे जान बचाई गई, जानिए खसूसी रिपोर्ट में। अस्सलामुअलैकुम साहिब। सर, मैं टाउनशिप से बात करूं, मेरे घर के दरवाजे के आगे कोई बंदा गिरा हुआ है। बेहोश है वो? पता नहीं, मैं नहीं बाहर गया,
सुनसान एरिया, तो मैंने दरवाजा नहीं खोला। ठीक है, थाना टाउनशिप है आपका? हाँ जी, थाना टाउनशिप है। चले मैं चेक करवा दूँ, आप फिर रब्ता करते हैं इसी नंबर पर। मैं एक कॉल मसूल होती है 15 पे कि एक शहरी के घर के बाहर एक शख्स जो कि नींद बेहोशी की हालत में घर के बाहर पड़ा हुआ है और शहरी को नहीं पता कि वो जिंदा है या उसकी डेथ हो गई है। हम पुलिस को टाइमली मौके पे भिजवाते हैं और पुलिस को कहते हैं कि उस बंदे को चेक किया जाए। उस बंदे को चेक करने पे पता चलता है कि वो सख्त सर्दी की वजह से बंदा फ्रीज हुआ पड़ा था। पुलिस ने मौका पे फौरन आकर बंदोबस्त किया, तो उसको आग के करीब उठाया, उसके बाद गर्म उसको चाय और खाना वगैरह दिया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि अब उसकी हालत बेहतर है। शहरी इर्द गिर्द की सरगर्मियों पर नज़र रखें और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में फौरी 15 पर इत्तला दें। पंजाब पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ ट्रांसजेंडर समेत ख़वातीन, बच्चों और मुआशरे के महरूम तबकात को बाइज़्ज़त रोज़गार फ़राहम करने में मसरूफ़ी अमल हैं। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ दाता दरबार लाहौर के विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर कशिश खान की काविशों से 7 ट्रांसजेंडर्स को निजी फूड डिलीवरी कंपनी में मुलाजमत मिल गई। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज महविश जान उर्फ साजिदा। मैं शुक्रगुजार हूँ तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की, खास करके कशिश की, जिसने हमें फूड पैंडा पे भेजा और हम आज फूड पैंडा के राइडर बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कल से मेरी ड्यूटी स्टार्ट होगी, इंशाल्लाह कामयाब होंगी और दुआएं कशिश के लिए भी और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुलसूम लियाकत है और मैं फूड पैंडा की एक राइडर हूँ और मैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और मैम कशिश की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे एक मौका दिया और आगे बढ़ने के लिए मुझे सपोर्ट किया। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मॉग रडार के मुताबिक आज मजमूनी तौर पर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मॉग रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूनी तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 234, पंजाब यूनिवर्सिटी में 192 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 221 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मॉग मुख्तलिफ संगीन बीमारियों का बाइस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं, ताकि आप स्मोक के मुजर असरात से महफूज रह सकें। गली मोहल्लों और बाजारों में पानी का छिड़काव करें ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए। अपनी व्हीकल को चेक करें कि कहीं वो धुआं तो नहीं छोड़ी और कूड़े को हरगिज आग न लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। साल 2023 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को DIG ऑर्गेनाइज क्राइम कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा। DIG कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान और अहलकारों के कैश इनामात और सर्टिफिकेट से हौसला अफजाई का सिलसिला जारी है। काबिल और फर्ज शनाज अफसरान ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर का फख्र है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक पुलिस स्टेशन को जदीद तर्ज पर अपग्रेड कर दिया गया है। शहरियों को थाना सदर जंग में मकामी सकाफत के साथ साथ शानदार माहौल फ्राहम किया गया है। जंग के शहरी पुलिस खिदमात की फ्राहमी में फर्क को तस्लीम करते हैं, देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है, मैं लंदन का रिहायशी हूँ और मैं रिसेंटली ही पाकिस्तान आया हूँ। तो मैंने एक रिपोर्ट दर्ज करवानी थी आईडी कार्ड गुम होने की, तो मेरा थाना सदर में आना हुआ है। तो यहाँ का माहौल देख के तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया हूँ। ये हर चीज़ साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन, लाइटिंग, हर चीज़ टोटली चेंज हो गई। मेरा आज से 3 महीने पहले आने का इत्तेफाक हुआ था यहाँ पे, तो उस टाइम टोटली डिफरेंट थाना था, लेकिन मैं जो आ जाए हूँ तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ हूँ। थाने का माहौल देख के बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं, ऐसे लग रहा है कि मैं लंदन के ही किसी पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं IG पंजाब के जो उन्होंने ये सिप्स इनिशिएटिव लिया है उसको अप्रिशिएट करता हूँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, बाखबर रही और देखते रहिए सेफ सिटी TV।